12 निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए, जिनमें जो हमारी फूलों की घाटी जो जिसको कि भारत सरकार ने इको संगठित जोन के अंतर्गत रखा गया है, उसमें क्योंकि उसके अंतर्गत आपको मालूम है उसमें हमारे यहाँ हेमकुंड साहब है, घांघरिया है और लोकपाल मंदिर यहाँ पर स्थापित है जो भारत सरकार ने इको संस्कृति जोन घोषित किया था, उसमें एक संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया इनको उससे बाहर निकालते हुए, ताकि इस पूरे संस्कृति जोन में कहीं पर भी कोई आबादी नहीं है और इसको संबंधित जो संवेदनशील जोन में पूर्व में रखा गया था, इन तीनों स्थानों को बाहर रखने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया और ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा जो भारत आज निर्णय लिया गया ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण, इसमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है, जिसमें जो हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं उनको बकायदा जो आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दृष्टिकोण करने का काम किया, एक सोसाइटी मोड में उसको चलाया जाएगा इसका निर्णय लिया गया है, जिसमें जिसको कि इको हर्बल हेतु हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आवर्धन तथा आजीविका संवर्धन संस्था हर्बल्स का गठन को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने, जिसमें दो होंगे, जिसमें एक गवर्निंग बॉडी और एक मैनेजमेंट कमेटी होगी। गवर्निंग बॉडी में माननीय मुख्यमंत्री उसके मुख्य संरक्षक होंगे, राज्य के वन मंत्री उसके संरक्षक होंगे और उस क्षेत्र के विधायक उसके सह संरक्षक होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में अपर मुख्य सचिव और HOD जो हॉफ हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और जो प्रमुख वन संरक्षक इसमें उपाध्यक्ष होंगे तथा वन विभाग के संबंधित अधिकारीगण और उस मुनिक रेती क्षेत्र के जैसे मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि जो है इसमें सामान्य सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ जो राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की अभी तक कोई नियमावली नहीं थी, आज मंत्रिमंडल ने इनकी सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। हमारा जो राजकीय मेला अस्पताल जनपद हरिद्वार में था उसके लिए MRI की मशीन बुक की गई थी, जो मशीन किंचित कारणों से नहीं आ पा रही थी, उसमें मंत्रिमंडल ने इस प्रतिबंध के साथ अनुमति दी है उस मशीन को उठाने की, जो कि दिल्ली में आ चुकी है मशीन, कि भारत सरकार से अनुमति लेने के बाद ही उस मशीन को उठाया जाएगा। तो प्राविधान है उसमें 2 करोड़ रुपए तक के काम की स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारियों को है, 5 करोड़ तक का अधिकार विभागीय मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को है और 5 करोड़ के ऊपर एक शासन की जो नियमावली है प्रोक्योरमेंट नियमावली उसके हिसाब से 5 करोड़ के ऊपर स्वीकृति का प्राविधान है। इसमें जो जिलाधिकारी को 2 करोड़ की अनुमति थी उसकी स्वीकृति तो मिल जाती थी, लेकिन TAC के लिए उसको शासन को भेजा जाता था। तो यह निर्णय लिया गया कि 2 करोड़ तक के कामों की TAC भी जनपद स्तर पर कर दी जाए ताकि कामों को गति मिल सके और शीघ्र से शीघ्र कामों को पूरा किया जा सके। उसी तरह से उसमें अपर मुख्य सचिव गवर्निंग बॉडी के साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई है, मैनेजमेंट कमेटी में राज्य के अपर मुख्य सचिव और हॉफ जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट है ये इसके अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ प्रमुख वन संरक्षक इसमें उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे और इसके अतिरिक्त वन विभाग के संबंधित अधिकारी मतलब क्योंकि वो नरेंद्रनगर में है तो DFO मुनिक रेती और स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि नगर पालिका के अध्यक्ष इसके सदस्य के रूप में किए गए हैं। ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ये करीबन 60 करोड़ रुपये से एक अंतर्राष्ट्रीय इको पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिस पार्क के माध्यम से क्योंकि ऋषिकेश के अंदर एक पोटेंशियल है, लाखों इस पूरे क्षेत्र में लाखों यात्री प्रतिवर्ष आता है और ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि 5 साल में ये अपनी पूरी कीमत वसूल कर लेगा, इसीलिए इसको सोसाइटी बोर्ड में देने का निर्णय लिया ताकि इसको बेहतर इसका मैनेजमेंट प्रबंधन इसकी मेंटेनेंस सोसाइटी बोर्ड में करने पर कोई दिक्कत नहीं।